नमस्ते बच्चों, आज हम समास के बाद आज व्याकरण के हम अपने दूसरे पाठ की ओर चलते हैं। आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि में स्वर संधि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, तो संधि किसे कहते हैं इसे भलीभांति से आप परिचित होंगे, फिर भी मैं एक बार आपको याद दिलाने के लिए बता दूं कि जहां पर दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है, मतलब नया वर्ण बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। जब स्वर वर्णों का मेल स्वर वर्णों के साथ होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब स्वर वर्णों का मेल व्यंजन वर्णों के साथ या व्यंजन वर्णों का मेल व्यंजन वर्णों के साथ होता है तो हम उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो आज की क्लास में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसके पूर्व थोड़ा सा स्वर संधि के बारे में समझेंगे। ठीक है, स्वर संधि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, फिर भी एक बार थोड़ा सा समझेंगे और फिर हम व्यंजन संधि की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्वर संधि, स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर वर्ण जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि कितनी प्रकार की होती है? 5 प्रकार: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। दीर्घ वर्णों में दीर्घ वर्ण होते हैं, अ के साथ अ जुड़ता है या आ के साथ आ या अ के साथ आ, कोई भी, यानी कि अ या आ जोड़ अ या आ। ठीक है, या ई के साथ ई वर्ण भी जुड़ते हैं, यानी दीर्घ ई हो या ह्रस्व हो। उ के साथ दीर्घ उ जुड़ता है या ह्रस्व उ जुड़ता है, और जुड़ने के बाद क्या बन जाता है? दीर्घ, उसे हम दीर्घ संधि। चलिए मैं लिखते हुए जल्दी से समझा देता हूँ आपको, एक बार आपके दिमाग में आ जाएगा फिर से वो बातें, फिर हम व्यंजन संधि की ओर बढ़ेंगे। हमारे स्वर संधि में पहला दीर्घ, दीर्घ में हम सामान्यतः 3 नियमों को देखते हैं, अ या आ को अ या आ से जोड़ने पर आ बन जाता है। क्या बन जाता है? आ। उसी तरह से दूसरा नियम है, ई या ई को जोड़ने पर ई या ई से क्या बन जाता है? दीर्घ ई। उसी तरह से उ या उ को उ या उ से जोड़ने पर क्या बन जाता है? दीर्घ। ये 3 नियम, तो ये दीर्घ संधि के 3 नियम है। इसमें सारे वर्ण क्या होते हैं? दीर्घ ही होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं उदाहरण देने की, तो मुझे जरूरत नहीं है फिर भी मैं दे देता हूं। जैसे परम प्लस आनंद, परमानंद, या हिम प्लस आलय, हिमालय। उसी तरह से मुनि प्लस इंद्र, मुनिंद्र, और उसी तरह से उ में अगर हम देखेंगे तो सूर्य प्लस उदय, सूर्य सूर्य सॉरी सूर्य प्लस उदय, वो तो हमारा गुण संधि में हो जाएगा। सु प्लस उक्ति सुप्ति, सु प्लस उक्ति सुप्ति। अब आते हैं हम गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि के क्या होता है? इसमें अ के बाद पहला नियम अ या आ, अ या आ के बाद क्या है? ई या दीर्घ ई आए तो क्या बन जाता है? ए। ठीक है, उसी तरह से दूसरा नियम क्या कहता है? यदि अ या आ के बाद क्या आता है? अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा।
और तीसरा नियम हमारा कहता है यदि अ या आ के बाद क्या आता है, याद होगा आप लोगों को भी, बिल्कुल सही, री, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक उदाहरण भी देख लेते हैं। पहला है मान लो कि धन प्लस इंद्र हो तो धनेन्द्र हो जाएगा। एक और उदाहरण, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। और एक उदाहरण, वसंत प्लस ऋतु, वसंत ऋतु, या देव प्लस ऋषि, देवर्षि, ठीक है। तो ये हमारा गुण संधि था। अ के बाद ई आए तो ए, अ या आ के बाद उ आए तो ओ, अ या आ के बाद री आए तो आर। अब आते हैं हम नेक्स्ट वृद्धि संधि। आपके पास अगर पुराने क्लास वर्क्स होंगे उससे भी आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं बोर्ड पे लिख ही दे रहा हूँ, तो इससे एक बार आपका रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो वृद्धि संधि में देखते हैं तो क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद क्या आते हैं, ए या आए, बताइए बच्चों क्या बन जाएगा, आ या आ के बाद ए या ए आए तो आए में परिवर्तित होता है, यानी दोनों में से कोई आए तो, दोनों में से कोई आए तो दीर्घ यहां, ठीक है, आए में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि आ या आ के बाद ओ या अव आए तो अव ही होता है, क्या होता है, अव ही होता है, ठीक है। इसमें ये दो नियम होते हैं सामान्यता, ठीक है। अब हम आते हैं यण संधि पे। अ प्लस ए या आए, आए होगा, और अ या आ ओ औ को ओ हो जाए, ठीक है। अब मैं यण संधि लिखता हूं, यण संधि को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने देखा कि अ या आ पहले आता था, लेकिन यण संधि में अ या आ पहले नहीं आता है, इसमें ई उ ये वर्ण पहले आते हैं, ठीक है। तो ई उ री और री, ई ह्रस्व या दीर्घ, उसके बाद उ ह्रस्व या दीर्घ, री ह्रस्व या दीर्घ, और लिरी में यहां लिखा लिरी, ठीक है। तो इसके बाद कोई भी असामान्य स्वर वर्ण, क्या आता है, असामान्य, क्योंकि सामान्य जब आएगा ई के बाद ई ही आएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा, इसलिए असामान्य स्वर वर्ण आए तो ई के प्लेस पे क्या हो जाता है, य, के प्लेस पे व, री के प्लेस पे र, और लिरी के प्लेस पे ल। इसका भी सूत्र भी है, ई को यणचि, यानी ईक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार बन जाता है। जब हम महेश्वर सूत्राणी, आपके व्याकरण विधि का फर्स्ट चैप्टर है वर्ण विचार, उसमें महेश्वर सूत्राणी दिया है, और वहां पे प्रत्याहार कराने को भी बताया, जो मैं 9th क्लास में बताया भी था, ठीक है, कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। तो वहां से जब इक प्रत्याहार हम देखेंगे तो इक प्रत्याहार में, ठीक है, तो इक का क्या हो जाता है, यण हो जाता है, इसीलिए हम सूत्र को कहते हैं इको यणसी, जो कि लघु संधान को हमने व्याकरण
में हमें पाणी महर्षि पाणी के द्वारा लिखी गई मिलेगी, पाणी अष्टाध्याय में मिलेगी। ठीक है, तो ई का य, उ का ह, ऋ का ल और लृ का ल होगा। तो यहां तक था हमारा यण संधि। अब हम आते हैं अपने अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए ओ आए और ओ, इसके बाद कोई भी सामान्य या असामान्य, इसके बाद कोई भी सामान्य या असामान्य स्वर आता है तो हम उसको इसमें चेंज कर देते हैं, ए को आई में चेंज कर देते हैं, ओ को औ में चेंज कर देते हैं, ए को आय में, इसी का दिल हो जाता है आठ मात्रा जाती है, और ओ को आओ में परिवर्तित कर देते हैं। ये तो था हमारा स्वर संधि जो कि हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था स्वर संधि, और उसी का रिवीजन किया। तो दीर्घ गुण वृद्धि यण और अयादि, ये पांचों प्रकार हमने अभी पढ़ा। और आज का जो क्लास था, हमें जो फिफ्थ क्लास में पढ़ना है व्यंजन संधि, उसमें भी रिवाइज सिलेबस में बहुत कम कर दिए गए, सिर्फ हमें दो ही पढ़ना है, यानी कि प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में परिवर्तन और प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण में, ये दो नियम ही पढ़ेंगे। तो हम फटाफट अपने व्यंजन संधि पर आते हैं। तो व्यंजन संधि क्या है, तो व्यंजन वर्णों को स्वर वर्णों से मिल या स्वर वर्णों का व्यंजन वर्णों से मिल ही व्यंजन संधि। इसमें कैसे भी जुड़ते हैं, या तो स्वर वर्ण हो जिसमें सिर्फ स्वर से स्वर नहीं जुड़ेगा, इसमें स्वर से व्यंजन भी जुड़ सकता है, व्यंजन से व्यंजन भी जुड़ सकता है, इसमें हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम कुछ प्रथम वर्ण को कब हम तृतीय वर्ण में परिवर्तित करेंगे, तो इसका पहला नियम है व्यंजन संधि का, वो हम देखेंगे। और स्वर संधि में पूर्व रूप संधि हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था, तो उसको भी आप अपने क्लास वर्क से रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको इस संधि में मैंने दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि और अयादि का रिवीजन इसलिए कराया कि जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, पाठ पढ़ेंगे, तो उसमें संधि प्रयोग रहेगा और उस समय संधि में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे दीर्घ हो रहा है, यहाँ पे गुण हो रहा है, यहाँ पे यण हो रहा है, इसलिए मैंने बताया, और कोई उसका विशेष कार्य नहीं। हमारे स्पेशल व्याक मतलब अभ्यास वन जब हमारे ग्रामर पूछा जाएगा, अनुप्रयुक्त व्याकरणम पार्ट पार्ट ए में जो हमारा ग्रामर है उसमें हमारा नहीं प्रश्न आएगा, स्वर संधि से व्यंजन संधि से प्रश्न आएगा। तो व्यंजन संधि में देखते हैं, व्यंजन संधि में एक आता है सूत्र जिसे हम कहते हैं जसत्व, जसत्व यानी जस संधि इसे हम, ठीक है, इसका नियम क्या है वो देख लेते हैं। यदि इसको नोट डाउन भी करते चलेंगे बच्चों साथ साथ, मैं बोलते जा रहा हूं आप लोग नोट डाउन भी करेंगे। यदि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में स्थित यानी कि फिक्स स्थित वर्गों के स्थित वर्गों के वर्गों के प्रथम अक्षर हो और उसके बाद
और उसके बाद कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर हो। एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर आगे बताऊंगा। यदि प्रथम पद के अंत में स्थित वर्गों के प्रथम अक्षर हो और उसके बाद कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या इसके बाद बच्चों यरल पांचवा अक्षर हो या य र ल व ह, इनमें से कोई अक्षर हो, ठीक है, य र ल व ह इनमें से कोई भी अक्षर हो तो हम क्या करते हैं, में से कोई वर्ण हो तो वर्ग के प्रथम वर्ण को उसी के तृतीय वर्ण में बदलते हैं। इनमें से कोई वर्ण, इनमें से कोई वर्ण हो तो वर्ग के प्रथम अक्षर को उसी के तृतीय अक्षर, उसी के तृतीय अक्षर से बदल देते हैं। इसे बदल देते हैं तृतीय अक्षर से। यदि प्रथम पद के अंत में स्थित वर्गों का प्रथम अक्षर हो उसके बाद कोई भी स्वर या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर हो या य र ल व ह इनमें से कोई वर्ण हो तो वर्गों के प्रथम अक्षर को उसी के तृतीय अक्षर में बदल देते हैं। क्या करते हैं, बदल देते हैं। अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में हम देखेंगे। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और एक आसान सा इस बड़े से परिभाषा को एक शॉर्ट ट्रिक में हम कैसे अरेंज करते हैं वो देखते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि यदि वर्ग के प्रथम अक्षर, वर्गों के यानी किसी भी वर्ग का, ठीक है, वर्गों के यानी किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग या प वर्ग, किसी भी वर्ग का यदि प्रथम अक्षर, कहां पे प्रथम अक्षर हो, यहां, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है यहां पे किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके बाद जब आएगा तो यहां पे क्या हो, मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी भी वर्ग का आपको दिखे, किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर और यहां पर क्या रहेगा, कोई भी स्वरवर्ण, कोई भी स्वरवर्ण या क्या रह सकता है, किसी भी वर्ग का
थर्ड फोर्थ या फिफ्थ लेटर हो, या क्या रह सकता है य, र, ल, व या ख में से कोई हो, या तो स्वरवर्ण हो, या तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर हो किसी भी वर्ग का, या य, र, ल, व हो, और यहां पे क्या हो किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो, तो इस प्रथम अक्षर को हम किसी के थर्ड लेटर में चेंज कर देते हैं। इसमें चेंज करते हैं हम इसको, जब इसको हम चेंज करेंगे तो थर्ड लेटर में चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे थर्ड लेटर में, इसका थर्ड लेटर इसी का थर्ड लेटर, इसका यहाँ पे जो वर्ण है प्रथम वर्ण उसी का थर्ड। अब एक उदाहरण देखते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से शॉर्ट नोट भी बना के देख सकते हैं। अब उदाहरण एक देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क, ठीक है, क को ग में चेंज किया, जैसे पृथक प्लस उच्च, पृथक अंत में क हलंत है, अगर क हलंत नहीं रहता तो ये दीर्घ संधि हो जाता या स्वर संधि हो जाता, तो हमें वह आता यहाँ पे वह आता तो गुरु संधि से हम चेंज कर देते, लेकिन प्रतिगोचते हो जाता, लेकिन यहाँ पे क हलंत है यानी कि व्यंजन वर्ण, ठीक है। जब क हलंत है व्यंजन वर्ण है तो हम क्या देखेंगे कि हलंत के बाद क्या आ रहा है, हलंत के बाद हमारा उ आ रहा है यानी कि स्वर वर्ण आ रहा है। तो हमने सीखा कि किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो और उसके बाद स्वर वर्ण आए, या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम अक्षर हो, या उसके बाद भी अगर य, र, ल, व, ह, तो हम प्रथम वर्ण को किस में चेंज कर देते हैं, तृतीय वर्ण में देखेंगे। और यहाँ पे जो वर्ण रहता है जैसे स्वर वर्ण है तो हम उसका उपयोग जोड़ने में करते हैं, उसकी मात्रा को लेते हैं, कि हम लोग नाइन्थ क्लास में भी सीखे थे दूसरे संधियों में भी, ठीक है, और यहाँ पे भी हम वही प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पे व्यंजन वर्ण रहा तो व्यंजन वर्ण रहा तो हम सामान्य रूप से जोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, प्री, थ और क हलंत है और ये उ है, क के जगह पे क्या आएगा हमारा तृतीय वर्ण, तो क, ख, ग, ग हलंत आ गया, लेकिन यहाँ पे उ है तो उ आ तो उसको पूरा करेगा, तो छोटा है वर्ण तो छोटा लिखेंगे, फिर चगु आधा च य ते, फिर चगु च ते, क हलंत, क हलंत को हमने ग हलंत में चेंज किया, या स्वर वर्ण था तो स्वर, अगर ये स्वर वर्ण नहीं रहता, ठीक है, स्वरवर्ण नहीं रहता, कोई व्यंजन वर्ण रहता तो सामान्य रूप से जुड़ जाता, ठीक है। अब एक और उदाहरण, ये क से ग में परिवर्तित था, अब च से ज में परिवर्तित हम करेंगे, च से ज में परिवर्तन, जैसे अच्छे प्लस अंत, तो च, छ, ज, यहाँ पे च हलंत है, इसके बाद स्वर वर्ण है, तृतीय वर्ण में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा, च, छ, ज, तो अ, ज, ज पूरा क्यों होगा क्योंकि आज इसमें मिल रहा है आधा ना त और विसर्ग अजंत, ठीक है। अब इसी तरह से त से ड होता है तो ड में परिवर्तन, ड में परिवर्तन तो क्या हो जाएगा, शटर प्लस आन, शट प्लस आ न, न क्या हो जाएगा, ट ख ड, क्योंकि इसके बाद आ रहा है स्वर वर्ण आ रहा है, क्या हो जाएगा, श रा, रा क्यों, क्योंकि अड़ा और उसके बाद आ की मात्रा, रा, न,
नह, तो षडान नह। ठीक है, तो क से ग का उदाहरण आप देख लिए, क से ग का, छ से छ का, ट से ड का, अब त का करेंगे। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। जहां जरूरत लगे आपको वीडियो रोकें, देखें, नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ें। अब त को द में चेंज करेंगे। एक उदाहरण देखेंगे, महा जोड़ दुखम, महात प्लस दुखम, महात द के बाद दु आ रहा है, दु मतलब द हलंत प्लस उ, दु का मतलब द हलंत प्लस उ, द आ गया, त थ द, त वर्ग का तीसरा अक्षर त थ द हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, त म ह त, त की जगह त का त रहेगा ही, त की जगह पे हम क्या चेंज करेंगे, द, त थ द, हलंत आएगा, बिल्कुल हलंत लिखेंगे, और यहाँ पे दुखम में सेम दु ख म, ठीक है। उसके बाद आता है प का ब, क्या हो जाएगा, प ख ब, तो सूप प्लस अंत, सूप प्लस अंत, सुबंत, प ख ब, ब को पूरा कर दिया ब, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण में कैसे चेंज करेंगे ये हमने सीखा, और हमें एक और इसमें नियम सीखना है, प्रथम वर्ण से पंचम वर्ण, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है बच्चों, सेम यही है, अगर वर्गों के प्रथम अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर, हमने उच्चारण स्थान में यमुना नाम पढ़ा था वैसे ही, अंग क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ठ ठ ठ ण थ द ध न प प ब भ म, ठीक है। अगर ये वर्ण यानी कि पांचों वर्गों के यानी क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग और प वर्ग के, इनके अंतिम अक्षर रहते हैं, कोई भी किसी भी अंतिम अक्षर रहता है, तो जो यहाँ पे अक्षर रहेगा वो अपने अंतिम अक्षर में बदल जाए, पंचम वर्ण में बदल जाए, उसको हम पंचम वर्ण परिवर्तन, जैसे यहाँ पे तृतीय वर्ण परिवर्तन हो रहा है, सेम वैसे ही वहां पे पंचम वर्ण परिवर्तन। यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर हो तो उसको हम उसी वर्ग के पंचम अक्षर में चेंज कर देते हैं। उसका उदाहरण मैं एक को लिख देता हूं, आप देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप अपने हिसाब से वीडियो पॉज करके देखें। ठीक है, तो क्या है इसमें पंचम वर्ण में जो बदल जाएगा, जैसे मैंने कहा षट प्लस नव, षट प्लस नवति, अब यहाँ पे न आ रहा, अब ये व्यंजन वर्ण भी है और पंचम अक्षर भी है, तो हम इसमें चेंज करेंगे, हम इसको पंचम अक्षर में चेंज करेंगे, इसीलिए इसको पंचम वर्ण, ठीक है, पंचम अक्षर में ही चेंज करेंगे पंचम वर्ण, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, श ण ण व ति, ठीक है। अब ये न क्यों होगा, क्योंकि आप लोग अणत्व विधानम पढ़े हैं, ठीक है, अणत्व विधानम का हमारा सूत्र हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े थे, न को ण में चेंज करना, सर है तो न को ण में चेंज कर देते थे, ठीक है। अब मान लो षट प्लस नाम रहे, क्या हो जाएगा, षट प्लस नाम षण नाम, षण
सर्वनाम नाम और सर्वनाम। ठीक है, षट प्लस नाम लिख रहा है ना आपको, षट प्लस नाम और शरण। उसी तरह से अगर मान लो सत प्लस नाम है तो क्या फिर चेंज होगा? नहीं, सत नाम होगा। सत त हलंत है तो हम इसको पंचम अक्षर में बदलेंगे, तो त थ ग ध न, तो सन हो जाएगा। त थ ग ध न सन, और यहाँ का नाम ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से हम अगर पंचम अक्षर रहे तो हम पंचम वर्ण सॉरी पंचम वर्ण रहे पंचम वर्ण बदल देंगे, ठीक है। और तृतीय वर्ण के बाद यदि कवर स्वर वर्ण या किसी भी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण या य र ल व ह हो तो हम उसको तृतीय वर्ण में भी बदल देते हैं, ठीक है। तो आज हम क्लास यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।